तो अब तक हमने क्या देखा कि सबसे पहले है माउथ एलिमेंट्री कनाल में, इसके बाद क्या है बक्कल कैविटी, अब तीसरा जो है थर्ड पार्ट आता है फेरिंग्स। फेरिंग्स क्या है? फेरिंग्स है थ्रोट। फेरिंग्स का एग्जैक्ट मीनिंग होता है थ्रोट, ग्रीक वर्ड है ये, जिसका मतलब है थ्रोट यानी कि गला। लेकिन ये पूरा गला नहीं है, वास्तव में क्या है ये गले का पार्ट है, थ्रोट का एक पार्ट है जहाँ पे फूड का और एयर का इनका पैसेज होता है। जैसे मैं आपको बताता रहा हूँ, पहले बताया है कि एक चौराहा बनता है ऐसे, जैसे कि सांस हम कहाँ से लेंगे, नोज से, तो ये तो आएगी एयर जैसे, और फूड कहाँ से लेते हैं हम, माउथ से, तो फूड आएगा यहाँ से। तो फूड की पाइप यहाँ होती है, इसके बैक साइड में है ट्रेकिया, ट्रेकिया मीन्स विंड पाइप। तो एयर को तो कहाँ आना है, इस तरफ आना है इस पाइप के अंदर, विंड पाइप के अंदर, और फूड को कहाँ आना है, इसके अंदर आना है फूड पाइप के अंदर, ईसोफेगस के अंदर। तो यहाँ पर ये क्रॉसिंग होती है, तो थ्रोट का वो पार्ट जहाँ पे ये क्रॉसिंग हो रही है, किसकी, फूड की एंड एयर की, इसी को कहते हैं फेरिंग्स, दैट इज इट इज पार्ट ऑफ थ्रोट। ये थ्रोट का पार्ट है वेयर, जहाँ पे क्या होता है फूड एंड एयर आर क्रॉस्ड। जहाँ पर फूड और एयर क्या होती हैं, क्रॉस होती हैं, वो है फेरिंग्स। इसका मतलब ये होगा कि इसके दो फंक्शन हो गए, फूड मीन्स यानी कि डाइजेस्टिव फंक्शन भी है, और एयर मीन्स रेस्पिरेटरी भी है। तो इसका मतलब इसके दोनों फंक्शंस हैं, इट परफॉर्म्स बोथ फंक्शंस। कौन कौन से, बोथ डाइजेस्टिव एंड रेस्पिरेटरी, रेस्पिरेटरी फंक्शन भी और डाइजेस्टिव भी, दोनों के दोनों क्या होते हैं फेरिंग से परफॉर्म किए जाते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट है ईसोफेगस। क्या है ईसोफेगस? है फूड पाइप। इस डायग्राम में अगर आप यहां देखें, ये फूड पाइप है ईसोफेगस। तो इसका दूसरा नाम गलेट भी है, या इसको हम सिंपली क्या बोल सकते हैं, फूड पाइप। कहां से शुरू, कहां पे खत्म? माउथ से ये शुरू होती है फूड पाइप, और स्टोमक तक पहुंचती है, यानी कि फ्रॉम माउथ टू स्टोमक। तो एक ऐसी पाइप जो फूड को माउथ से स्टोमक तक लेकर जाती है, उसी का नाम क्या है, ईसोफेगस। भाई सीधी सी बात है, जो फूड इनटेक हम करते हैं, हमारे माउथ के अंदर फूड है, तो दांतों ने उसको चबा लिया, तो क्या इसके बाद वो फूड एकदम से धड़ाम से गिरेगा? ऐसा तो संभव नहीं है। तो उसके लिए एक पाइप है जो मस्कुलर पाइप है, ये हाईली मस्कुलर होती है, मसल्स बहुत ज़्यादा हैं इसमें, और ये पाइप क्या करती है, माउथ से फिर फूड कहाँ जाएगा, स्टमक के अंदर जाता है। इसमें बहुत इम्पोर्टेंट बात आपने की याद रखनी है कि किसी भी प्रकार का डाइजेशन ईसोफेगस में नहीं होता है, क्योंकि इसमें ऐसे कोई एंजाइम प्रेजेंट नहीं जो, यानी कि नो डाइजेशन अकर्स इन ईसोफेगस। अगर बात करें कि ये कितनी लेंथ की हो सकती है, तो एक एडल्ट ह्यूमन बीइंग में ये 25 सेंटीमीटर के करीब होती है, अगर इसकी लेंथ की बात करें, अबाउट 25 सेंटीमीटर। अब फूड जब इससे नीचे जाता है, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, फूड जब फूड पाइप से नीचे आएगा, कहाँ से, माउथ से स्टमक में आएगा, तो वो कैसे आएगा? चलो एक तो ये बात होगी भाई, फूड सीधा माउथ से धड़ाम की तरह नहीं गिरने वाला है, तो क्या होगा, पाइप के थ्रू आएगा। तो क्या पाइप में धड़ाम की तरह गिरेगा, एकदम पाइप ऊपर से छोड़ देगा और पाइप में से आ जाएगा? ऐसा नहीं होगा। इसमें क्या है, ये जो ईसोफेगस है, इसमें अभी हमने क्या लिखा, हाईली मस्कुलर, इसमें बहुत ज़्यादा मसल्स हैं, बहुत सारे मसल्स हैं,
और वो मसल्स क्या करते हैं, एक बार कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, एक बार रिलैक्स करते हैं। तो जब ये कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होती है, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, उसकी वजह से फूड मूवमेंट करता है। यानी कि फूड ऐसे नहीं आएगा, फूड ऐसे घूम के आएगा नीचे। तो मसल्स क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, जैसे ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो इसे नीचे वाला रिलैक्स करेगा, फिर कॉन्ट्रैक्ट, फिर रिलैक्स। तो जैसे ही कोई कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो फूड वहाँ से नीचे चला जाएगा, नीचे वाला रिलैक्स करेगा, फिर रिलैक्स वाले के अंदर फूड आ गया, वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा, फिर नीचे वाले के अंदर। तो इस तरह धीरे धीरे ये मूवमेंट होती है जिसके द्वारा माउथ से स्टमक तक पहुँचेगा। अब इम्पोर्टेंट ये है कि ये जो मूवमेंट हैं जो इसोफेगस के अंदर हो रही हैं मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के कारण, इनका एक स्पेशल नाम है, एक नाम दे रखा है, और वो नाम है पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स। और इस प्रोसेस को पेरिस्टाल्सिस भी कह लेते हैं, वो एक ही बात है। तो पेरिस्टाल्सिस होता है, यानी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट है, उन मूवमेंट्स के द्वारा क्या होता है, ये फूड कहाँ पहुँचेगा, यानी कि ये जैसे कि ईसोफेगस है, फूड पाइप है, इस फूड पाइप से कहाँ पहुँचेगा, स्टमक के अंदर पहुँचता है। एक और बात जो यहाँ आपने कन्फ्यूज नहीं करनी है, ये जो अपनी फूड पाइप है ये सेम नहीं है विंड पाइप के, ये दोनों अलग अलग हैं। फूड पाइप अलग है, विंड पाइप अलग है, जिसको हम ट्रैकिया कह रहे हैं। तो इट इज सेपरेट फ्रॉम विंड पाइप, ये विंड पाइप से एक अलग चीज़ है जिसको कह रहे हैं हम ट्रैकिया। तो क्या क्या पढ़ लिया हमने, माउथ, बकल कैविटी, फिर क्या है फेरिंग्स, फिर क्या है ईसोफेगस। तो ये ईसोफेगस, इसके बाद किसका नंबर है, स्टमक। तो स्टमक के बारे में पढ़ते हैं, स्टमक क्या है। ये जो स्टमक है इसके बारे में अक्सर ये सोच लिया जाता है कि भाई स्टमक क्या है, ये सारा स्टमक है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये ऊपर वाला पोर्शन क्या है, डायफ्राम। ये डायफ्राम, डायफ्राम के अंदर ये सारे ऑर्गन्स रखे हुए हैं, आप ये मान के चलो। तो स्टमक क्या है, ये लेफ्ट साइड में होता है, अपर एब्डोमेन में, और जे शेप का एक ऑर्गन, यानी कि एक थैली टाइप लगाओ जे शेप की, जैसे इंग्लिश का लेटर होता है ना जे, उस शेप की, ये लगभग मिलता जुलता ऐसे ही है जे की तरह से। तो ये जे शेप्ड है, और कहाँ है स्टमक, लेफ्ट साइड में है, एब्डोमन के लेफ्ट साइड में। इसमें क्या होता है, अगर कोई वन वर्ड आंसर हमसे पूछे, भाई आप एक लाइन में बताइए स्टमक में क्या होता है, तो वो एक लाइन का इसका वन वर्ड आंसर है, पार्शियल डाइजेशन। यानी कि फूड का पार्शियल डाइजेशन जो है वो स्टमक के अंदर होता है, पार्शियल डाइजेशन ऑफ फूड। और क्या क्या है इसके अंदर, क्या क्या फंक्शन है, तो पहला तो यही फंक्शन है जो आपने याद रखना है, क्या है कि स्टमक में पार्शियल डाइजेशन ऑफ फूड होता है। कैसे होता है, तो इसमें क्या है, स्टमक एक जूस छोड़ता है, एक लिक्विड मटेरियल है, गैस्ट्रिक जूस। अभी थोड़ी देर बाद इसमें पढ़ेंगे कि ये क्या है गैस्ट्रिक जूस। इसमें HCl होता है, पेप्सिन है, रेनिन है, ये कई चीज़ें होती, फ्लूड होता है एक गैस्ट्रिक जूस। और ये क्या करता है, डाइजेशन करवाता है फूड का, यानी कि पार्शियल डाइजेशन फिर इसकी वजह से होता है। तो गैस्ट्रिक जूस इज सिक्रेटेड बाई स्टमक, जिसमें एसिड की मात्रा है, यानी कि अपने स्टमक का जो एनवायरनमेंट है वो उसे एसिडिक बना रहता है, और एसिडिक बनने से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी मर जाते हैं और फिर डाइजेशन भी होगा। इसके अलावा स्टमक का एक और फंक्शन ये है कि ये फूड को स्टोर करता है, और कहीं तो अपने शरीर में फूड ऐसा स्टोर होता नहीं, तो फूड की जो स्टोरेज है कुछ समय तक, जितने भी समय तक करनी पड़े, तो वो यही होती है स्टमक के अंदर, स्टोरेज ऑफ फूड। तो गैस्ट्रिक जूस वाला मेन फंक्शन है इसका, पार्शियल डाइजेशन होता है, और इसके अलावा स्टोरेज ऑफ फूड है। अपर एब्डोमेन में कहाँ है,
लेफ्ट साइड में पाया जाता है। तो ये कुछ बिल्कुल मेन पॉइंट्स अपने स्टमक के बारे में। अब इसके बाद आता है स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन। तो स्मॉल इंटेस्टाइन जो है तीन पार्ट इसके हैं, डिफ्रेंशिएट हम कर सकते हैं, और लार्ज इंटेस्टाइन को भी हम थ्री पार्ट्स में डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन के तीन पार्ट कौन से हैं? ड्यूओडेनम, जेजुनम और इलियम। और लार्ज इंटेस्टाइन के भी तीन पार्ट हैं, सीकम, कोलोन एंड रेक्टम। तो अब हम पढ़ते हैं इसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन, नेक्स्ट सिक्स्थ जो है एलिमेंट्री कनाल का पोर्शन स्मॉल इंटेस्टाइन। तो इसके बाद है नेक्स्ट अपना स्मॉल इंटेस्टाइन, स्टमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन। इसमें थोड़ा सा आपने ध्यान रखना है क्योंकि इसके तीन पोर्शन हैं, यानी कि थोड़ा सा ये उससे ज़्यादा है, और इम्पोर्टेंट रोल भी सबसे ज़्यादा इसी का है, क्योंकि फूड का डाइजेशन कंप्लीट कहाँ पे होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। अब इसका नाम तो स्मॉल इंटेस्टाइन है, लेकिन ये वैसे स्मॉल नहीं है, लार्ज इंटेस्टाइन से ये बड़ी है। इट इज 7 मीटर इन लेंथ। अपनी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है ये 7 मीटर लंबी होती है, चौड़ाई इसकी कम है 2.5 सेंटीमीटर विड्थ, ये कम। और सबसे इम्पोर्टेंट काम क्या है इसका? कि इसके अंदर फूड का डाइजेशन कंप्लीट होता है और एब्जॉर्प्शन भी फूड का शुरू हो जाता है इसी के अंदर, स्टार्टिंग हो जाती है उसकी। तो इसको तीन पार्ट्स में डिफ्रेंशिएट किया है स्मॉल इंटेस्टाइन को। पहले है ड्यूओडेनम पहला पार्ट, दूसरा है जेजुनम, और थर्ड पार्ट है इलियम। ये जो पार्ट है ड्यूओडेनम, ये शॉर्टेस्ट पार्ट है, सबसे छोटा पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन का, जो 25 से 38 सेंटीमीटर तक ही लंबा होता है। और इसका बहुत इम्पोर्टेंट रोल है क्योंकि ये सबसे पहला पोर्शन है स्मॉल इंटेस्टाइन का जहाँ पे फूड आएगा। देखो इससे पहले हमने पढ़ लिया कि स्टोमक में पूरा डाइजेशन नहीं होता है फूड का, क्या होता है? पार्शियल डाइजेशन होता है। तो पहले इसी की बात कर रहा हूँ अब। इस तो जो पार्शियली डाइजेस्टेड फूड है जिसको हम बोल देते हैं काइम, वो ड्यूओडेनम के पास ही आता है सबसे पहले, यानी कि इट रिसीव्स, इसी के अंदर रिसीव होगा, इट रिसीव्स पार्शियली डाइजेस्टेड फूड जिसका नाम क्या है? काइम भी बोलते हैं। पार्शियली डाइजेस्टेड फूड इज ऑल्सो कॉल्ड काइम। तो ये इसके अंदर रिसीव होगा। अब अगली बात ये है, भाई रिसीव तो होगा लेकिन उसका करना क्या है? तो ये क्या करेगा, ड्यूओडेनम स्मॉल इंटेस्टाइन अपना, देखो जूस तो सारे छोड़ रहे हैं, ये तो आपने याद रखना है। स्टमक ने क्या किया? गैस्ट्रिक जूस छोड़ा। लीवर क्या है? ये अपना जूस छोड़ता है, बाइल जूस। पेनक्रियाज क्या है? ये अपना जूस छोड़ता है, पेनक्रियाटिक जूस। तो इंटेस्टाइन किसी से कम थोड़ी हैं, ये भी जूस छोड़ेंगी, और ये जूस हैं सारे क्या? ये सारे डाइजेशन करवाएंगे फूड का। ये अपना जूस छोड़ती, यानी कि इंटेस्टाइनल जूस, जिसका स्पेशल नाम भी है सक्कस एंटेरिकस, अभी आगे आएगा। लेकिन फिलहाल तो हम इनके स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं। तो पार्शियली डाइजेस्टेड फूड आ गया ड्यूओडेनम के अंदर। अब इसको डाइजेशन के लिए ज़रूरत पड़ेगी कि ये कहीं से, भाई कोई एंजाइम, कोई जूस इसके अंदर होगा तभी तो डाइजेशन होगा। तो ये क्या करेगा, जो बाइल, देखो ये लीवर है, लीवर के अंदर ये क्या है? ये गॉल ब्लैडर है। ये जो गॉल ब्लैडर है इसी के अंदर बाइल जूस स्टोर होता है, और ये बाइल जूस फैट का डाइजेशन करवाता है। तो ये बाइल भी इसको चाहिए ड्यूओडेनम को, और पेनक्रियाज का जो पेनक्रियाटिक जूस है वो भी चाहिए। तो ये क्या करेगा, एक कॉमन डक्ट होती है, कॉमन पाइप है, जो इसके जूस को भी और इसके जूस को भी, दोनों को लाके ड्यूओडेनम को दे देगी।
कॉमन बाइल डक्ट उसको बोलते हैं, यानी कि थ्रू कॉमन बाइल डक्ट इट रिसीव्स सिक्रेशंस ऑफ लीवर एंड पेनक्रियाज, लीवर और पेनक्रियाज का जूस इसके अंदर आ जाता है, जिससे फिर आगे क्या होगा, जिससे आगे चल के होता है उसका डाइजेशन। इसकी जो शेप है सी शेप का होता है ड्यूओडेनम। अगर कोई आपसे पूछ ले तो कैसा है, सी शेप का है, और डाइजेशन में इसका वाइटल रोल है, यानी कि स्टमक के बाद कौन आता है, स्मॉल इंटेस्टाइन, और उसका कौन सा हिस्सा आता है, ड्यूओडेनम। यानी कि हम ये भी कह सकते हैं कि इट ज्वाइंट्स, ये ज्वाइन करता है किसको, स्टोमक टू स्मॉल इंटेस्टाइन। स्टोमक से स्मॉल इंटेस्टाइन किसके थ्रू जुड़ी हुई है, ड्यूओडेनम के थ्रू जुड़ी हुई है। ये है फर्स्ट पार्ट किसका, स्मॉल इंटेस्टाइन का। दूसरा जेजुनम, जेजुनम जो है वो इससे बड़ा है, मिडल पार्ट 2 meters लेंथ है इसकी, तो इसकी 2 meters के करीब लेंथ है। इलियम की कितनी होती है, 3 to 3.5 meters। जेजुनम क्या है, ये मिडल पार्ट है, ये क्या है, लास्ट पार्ट है और लॉन्गेस्ट पार्ट है। इसमें क्या हुआ था, पार्शियली डाइजेस्टेड फूड आया था। जेजुनम का काम यह है कि फूड के अंदर जितने न्यूट्रिएंट्स हैं 90% के करीब, वो सारे के सारे उससे वो एब्जॉर्ब कर लेता है, ले लेता है। यानी कि आप ये मान के चलो कि लगभग जेजुनम के अंदर जो डाइजेशन है वो लगभग कंप्लीट हो लेता है। यानी कि इसके अंदर, इस पार्ट के अंदर मोस्ट ऑफ द न्यूट्रिएंट्स आर एब्जॉर्ब्ड, ज्यादातर न्यूट्रिएंट्स को यहां, यानी कि पार्शियली डाइजेस्टेड फूड था, ड्यूओडेनम में आया, ड्यूओडेनम ने अपना काम किया, उसके अंदर जूसेस डाले जितने भी थे, उसका डाइजेशन करवाया, तो लगभग सारे न्यूट्रिएंट्स जेजुनम के द्वारा फूड से ले लिए जाते हैं। यानी कि अबाउट 90% ऑफ न्यूट्रिएंट्स आर एब्जॉर्ब्ड एट दिस लेवल, फूड में से 90% के करीब न्यूट्रिएंट्स यहाँ से ले लिए जाएंगे जेजुनम में। लास्ट पार्ट क्या है, इलियम, जो लास्ट है किसका, स्मॉल इंटेस्टाइन का, लेंथ है 3 to 3.5 meters, और इसके अंदर क्या है, जो और बचा हुआ डाइजेशन, देखो 90% क्या ऐसे चल रहे हैं, बिल्कुल कंप्लीट डाइजेशन यहाँ पे हो चुका होता है, यानी कि अप टू दिस पार्ट कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड टेक्स प्लेस। तो हम ये कह सकते हैं कि स्मॉल इंटेस्टाइन में जो डाइजेशन है फूड का वो बिल्कुल कंप्लीट हो जाता है और एब्जॉर्प्शन स्टार्ट हो जाता है। तो ये 3 parts थे स्मॉल इंटेस्टाइन के। अब एक बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, हम शुरू से ये पढ़ते आ रहे हैं कि फूड का डाइजेशन होता है और डाइजेशन के बाद एब्जॉर्प्शन होता है। एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या है कि फूड से न्यूट्रिएंट्स ले लिए जाते हैं, यानी कि फूड ब्लड में मिलता है, तो वो कौन सी स्टेज है, वो कहाँ है अपनी बॉडी में जहाँ पे फूड ब्लड में मिल जाता है या एब्जॉर्ब हो जाता है, ये कहें हम, वो यही जगह है जब फूड का डाइजेशन कंप्लीट हो जाएगा, उसके बिल्कुल स्मॉल पार्टिकल्स होंगे, तब उसका नंबर आएगा कि भाई वो एब्जॉर्ब हो। क्योंकि एब्जॉर्ब कोई भी चीज़ लिक्विड स्टेट में जल्दी होती है, स्मॉल पार्टिकल होंगे तब जल्दी होगी। जैसे कि कभी आप देख लो, रुई है, अगर मैं आपसे कहूं भाई एक तो कंकड़ पड़े हुए हैं और एक पानी है, और रुई आपको दे दी जाए तो रुई किसको एब्जॉर्ब करेगी, आप सोच के देखो, सोचने की जरूरत नहीं, वैसे ही पता आपको कि वाटर को एब्जॉर्ब
बहुत जल्दी करेगी, जबकि कंकड़ पत्थर को वो नहीं कर पाएगी। सेम यही बात यहाँ पे है, यानी कि स्मॉल पार्टिकल फूड के हो गए, डाइजेस्ट होगा तो अब उसका नंबर आ गया कि वो ब्लड में मिले, वो काम यहाँ पे होता है और उसके लिए इसके पास विशेष प्रावधान भी है। ये जो लास्ट वाले दो पार्ट हैं ना स्मॉल इंटेस्टाइन के, कौन कौन से हैं, जेजुनम एंड इलियम, इनके ऊपर कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस पाई जाती हैं फोल्डेड स्टेट में, जिनको बोलते हैं विल्ली। और ये जो विल्ली हैं यहीं पर फूड ब्लड में जाके मिलता है। तो इन द इंटरनल लाइनिंग ऑफ, जो इंटरनल लाइनिंग है अंदर वाली लाइन किसकी, जेजुनम एंड इलियम, जेजुनम एंड इलियम की इंटरनल लाइनिंग पर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस। और ये जो प्रोजेक्शंस हैं कैसे हैं, ये फोल्डेड स्टेट में हैं। इन्हीं प्रोजेक्शंस को, जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं, इन्हीं को कहते हैं विल्ली। इनका काम क्या है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ विल्ली, तो विल्लस होता है सिंगुलर, विल्लस का प्लूरल है विल्ली, या विलाई भी कई बार कह सकते हैं, वो मर्जी आपकी। तो इसका काम है सरफेस एरिया को बढ़ा देना, यानी कि इंक्रीज सरफेस एरिया, किसके लिए, ताकि एब्जॉर्प्शन हो उसके फूड का, फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, ताकि फूड का एब्जॉर्प्शन हो उसके। अब आपको याद रखना है कि विल्ली ही वो चीज़ है जो स्मॉल इंटेस्टाइन में है, जहाँ पे फूड मिल जाता है किसके साथ जाके, ब्लड के साथ जाके। नेक्स्ट है लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद नेक्स्ट है लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन आपको बताया था, नाम बड़े दर्शन छोटे, ये है लार्ज इंटेस्टाइन। इस लार्ज इंटेस्टाइन का नाम लार्ज है लेकिन वैसे नहीं है, 1.5 मीटर इसकी लेंथ होती है और इसके तीन पार्ट हैं, इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं हम थ्री पार्ट्स में। पहला है सिकम, दूसरा है कोलोन और तीसरा है रेक्टम। स्मॉल इंटेस्टाइन के तीन पार्ट थे, ड्यूओडेनम, जेजुनम। ड्यूओडेनम में क्या हुआ, पार्शली डाइजेस्टेड फूड आया, उसका डाइजेशन हुआ, जूस लेके उन्हें काम किया, 90% न्यूट्रिएंट्स ले लिए फूड के जेजुनम में, और इलियम में जाके कंप्लीट होगा डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन भी स्टार्ट होगा जेजुनम इलियम में। अब इसके तीन पार्ट हैं सीकम, कोलोन, रेक्टम। तो जहां पर स्मॉल इंटेस्टाइन खत्म होती है वहां पर लार्ज इंटेस्टाइन शुरू होती है, यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन फूड का कंप्लीट होगा, जितना होना था फिर भी कुछ बच गया, चाहे डाइजेशन उसका नहीं हो पाया, चाहे उस शरीर के काम का नहीं था, चाहे शरीर से नहीं हुआ, कुछ भी मानो, उस समय जो यानी कि वो वेस्ट है, तो जो अनडाइजेस्टेड फूड बचेगा स्मॉल इंटेस्टाइन में वो अब आगे दे दिया जाएगा सिकम को। इसकी लेंथ बहुत कम है, अराउंड 6 सेंटीमीटर ये है, ये अराउंड 20 सेंटीमीटर है, अब बाकी बच गया वो कोलोन। तो जो अनडाइजेस्टेड फूड है जो बच गया स्मॉल इंटेस्टाइन में वो पहुंच जाता है सिकम के पास। Undigested food from small intestine से जो undigested food है is passed to cecum। जो undigested food है वो cecum में pass कर दिया जाएगा। ये पहला जो part है जिसकी 6 सेंटीमीटर केवल क्या है, length है। अब इसके अंदर
सिकम के अंदर एक वर्म लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसका कोई काम अपने शरीर में नहीं है और उसको बोलते हैं वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स। इसके अंदर क्या है, एक वर्म लाइक स्ट्रक्चर है जिसका कोई काम नहीं है और उसका नाम क्या है, उसका नाम है वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स। ये जो वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स है ये क्या है, ये वेस्टिजियल ऑर्गन है, यानी कि अपनी बॉडी में इसका कोई फंक्शन नहीं है, इट इज वेस्टिजियल ऑर्गन। ये वेस्टिजियल ऑर्गन है। अब कई बार क्या होता है, अनडाइजेस्टेड फूड या कुछ भी, मतलब क्योंकि देखो बॉडी में इसका काम तो कुछ रहा नहीं, इसलिए अगर ये कुछ करेगा तो परेशान ही कर सकता है, तो कई बार इसमें बहुत ज़्यादा पेन होती है जिसकी वजह से स्वेलिंग इसके ऊपर आ जाती है और उस जो डिजीज उससे होगा उसका नाम है अपेंडिसिटिस, स्वेलिंग ऑफ, जब ये स्वोलन हो जाता है वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स तो उसको बोलते हैं अपेंडिसिटिस। और कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आसान सा ऑपरेशन होता है, अगर ऐसा है तो डॉक्टर तुरंत उसको काट के और बॉडी से बाहर कर देते हैं। ये वेस्टिजियल ऑर्गन है यानी कोई काम नहीं है। तो क्या वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स हर जगह ही वेस्टिजियल है, हर ऑर्गेनिज्म में ये वेस्टिजियल है? ऐसा नहीं है। जो हर्बीवोरस शाकाहारी, जो हर्बीवोरस मैमल्स हैं उनके अंदर ये फंक्शनल होता है, वेस्टिजियल नहीं होता। अगर हम बात कर रहे हैं हर्बीवोरस मैमल्स की तो उनमें ये जो ऑर्गन है ये फंक्शनल है। कौन सा ऑर्गन? वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स। दूसरा पार्ट इसका कोलोन है, ये इसका लॉन्गेस्ट पार्ट है, लार्ज इंटेस्टाइन का लॉन्गेस्ट पार्ट क्या कहलाता है, कोलोन। इसने दो काम करने हैं, दो फंक्शन इसके मेन हैं। सबसे पहला तो ये है कि जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो शरीर से बाहर जाना है एनस के थ्रू। उसके बाहर जाने से पहले ये क्या करेगा, उसमें से वाटर को एब्जॉर्ब करता है, यानी कि पहला फंक्शन इसका है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर फ्रॉम, कहाँ से, जो फूड है, कैसा फूड, अनडाइजेस्टेड। इसका दूसरा काम है जो फिकल मैटर है, फिकल मैटर यानी कि जो मलमूत्र है उसको तैयार करना और उसको स्टोर करना, ये भी कोलोन का ही काम है, यानी कि प्रिपरेशन एंड स्टोरेज ऑफ फिकल मैटर, जो मलमूत्र है, जो एक्सक्रीटरी मटेरियल है उसको प्रिपेयर करना और फिर उसको स्टोर भी करना, जब तक वो शरीर से बाहर नहीं जाता तब तक स्टोर करके रखना, ये भी किसका काम है, कोलोन का काम है। एंड थर्ड इज रेक्टम। रेक्टम का तो काम ही बस एक ही मेन काम है, एक्यूमुलेशन एंड इवैक्यूएशन ऑफ फिकस या फिकस या फिकल मैटर, यानी कि इसका फंक्शन है एक्यूमुलेशन एंड इवैक्यूएशन ऑफ फिकस या फिकल मैटर। तो मेन बात आपको क्या याद रखनी है, आपको याद रखनी है कि स्मॉल इंटेस्टाइन के भी थ्री पार्ट्स हैं, ड्यूओडेनम, इलियम, जेजुनम। इसके भी थ्री पार्ट्स हैं, सिकम, कोलोन, रेक्टम। फंक्शंस ये इनके हैं। और लास्ट पार्ट इसका होता है किसका, एलिमेंट्री कनाल का, एनस। तो एलिमेंट्री कनाल क्या है, वो पूरी ट्यूब यानी कि जिसमें सारे ऑर्गन आ गए कि फूड के इनटेक से लेकर जब तक वो शरीर से बाहर नहीं हो जाता अनडाइजेस्टेड जो बच गया वहाँ तक के सारे ऑर्गन। तो एलिमेंट्री कनाल की दो ओपनिंग है,
एक ओपनिंग का नाम है माउथ, जहाँ से फूड को इनटेक किया जाता है। दूसरी ओपनिंग का नाम है एनस, जहाँ से जो अनडाइजेस्टेड फूड है, जो वेस्ट मटेरियल है, मल मूत्र है, वो बॉडी से एक्सक्रीट किया जाता है। तो इसका फंक्शन है रिमूवल ऑफ फिकस। तो ये कुछ ऑर्गन्स, कुछ क्या एट थे, ये जो एट पार्ट्स हैं ये हमने पढ़े किसके थे, एलिमेंट्री कनाल। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे डाइजेशन, ये डिटेल से पढ़ रहे हैं, वरना तो बिल्कुल आसान सी बात है। माउथ में फूड का जो बोर्ड लेवल पे हमें याद रखना, वो तो इतनी सी बात है, माउथ में फूड सबसे पहले इनटेक हुआ, दांतों ने चबाया, जीभ ने दांतों के नीचे रखा, स्लाइवा था उसने एंजाइम मिलाए और कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन माउथ से शुरू हो गया। इसके बाद फूड पाइप ने स्टोमक में पहुंचाया, वहाँ पे तीन चीज़ थी, HCl, पेप्सिन, रेनिन। HCl ने क्या किया, एसिडिक मीडियम दिया, जर्म्स को मार दिया। पेप्सिन ने क्या किया, प्रोटीन्स को तोड़ दिया। रेनिन ने क्या किया, मिल्क का डाइजेशन किया। इसके बाद फूड कहाँ गया, स्मॉल इंटेस्टाइन में। यहाँ कौन था, एक तो इसका अपना जूस था सक्कस एंटेरिकस, एक बाइल का था, एक पेनक्रियाज का था। तो बाइल जूस का सबसे मेन फंक्शन है जो फैट के बड़े मॉलिक्यूल्स हैं उनको तोड़ देना, और फिर प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, ये जो बाकी जो चीज़ें हैं ये तोड़ देते हैं। इसके बाद जो अनडाइजेस्टेड है वो शरीर से बाहर हो जाता है, बस इतनी सी बात है। लेकिन क्योंकि हम NTSC की बात कर रहे हैं तो ये बातें भी उसमें आपको याद रखनी पड़ेंगी। और अब इसके बाद हम करेंगे डाइजेशन इन ह्यूमन बींग्स की, डाइजेशन कहाँ कहाँ होता है। डायग्राम आप फिर से देख लें, क्योंकि अब मैं अब इसको रिमूव करूँगा, डाइजेशन की बात करेंगे। क्या क्या है इसमें, ये हो गया टंग, और ये हम पढ़ चुके हैं, इसोफेगस है, ये क्या है, लीवर है। लीवर के अंदर ये जो थैली सी दिखा रखी है ये क्या है, गोल ब्लैडर। इसके अंदर क्या है, इसके अंदर बाइल जूस स्टोर है। अब ये डिटेल से पढ़ेंगे बाइल जूस का के क्या काम है। ये जे शेप्ड क्या है, ये है स्टमक। ये जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, पत्ते के जैसा है, ये है पेनक्रियाज। ये स्मॉल इंटेस्टाइन शुरू होगी, ये जो अंदर कॉइल्ड फॉर्म में है, लिपटी हुई पड़ी है, और ये क्या है, लार्ज इंटेस्टाइन है। अच्छा, ये बीच में एक बात इसकी तरह की, ये जो कोलोन है इसके तीन फॉर्म है, ये देखो, असेंडिंग, ट्रांसवर्स एंड डिसेंडिंग। तो तीन फॉर्म इसकी हैं, कौन कौन सी हैं, असेंडिंग, इसकी कोलोन की बात हम कर रहे हैं, असेंडिंग जो ऊपर जाती हुई है, जो सीधी वो क्या है, ट्रांसवर्स, और नीचे आती हुई क्या है, डिसेंडिंग। तो असेंडिंग, ट्रांसवर्स, डिसेंडिंग, थ्री इसके पार्ट्स हैं, ठीक है। तो अभी बात करते हैं डाइजेशन इन ह्यूमन बींग्स की।